हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। दिस इज द सेवेंथ सेगमेंट ऑफ ट्रिकेट रेस, जिसमें आज हमने लिया है क्लॉक अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है जब छोटी सुई और बड़ी सुई एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर अपोजिट को हमें सॉल्व करना हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्रोक्स टाइम इनटू 12 अपॉन 11। कोइंसाइड अपोजिट एंड राइट एंगल में सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, अप्रोक्स टाइम इनटू 12 अपॉन 11। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 11 से 12 बजे के बीच में कब होती हैं सुइयां अपोजिट? ओके, 11 से 12 के बीच में कब होती है? तो हमें एक टाइम एज्यूम करना है कि कब हो सकती हैं। तो छोटी सुई 11 पे होगी और बड़ी सुई 12 पे होगी, एंड बड़ी सुई घूम घूम के करीब यहाँ तक पहुंच जाएगी 5 तक, एंड एक अपोजिट होगी सुइयां। बट एग्जैक्ट टाइम क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हमें अप्रोक्स टाइम क्या दिख रहा है, 11:25। तो हमें क्या करना है, 25 में मल्टीप्लाई करना है 12 अपॉन 11। 300 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू 11। इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 80 यानी 7 जा एंड 3 11। तो जो फ्रैक्शन हमने सॉल्व करके जो टाइम निकला वो होता है 11:27 3/11। तो यानी सुई इस तरह से होगी, कच 11 से थोड़ा सा मूव कर गई होगी जो 12 के बीच में होगी, 11-12 के बीच में छोटी सुई होगी, एंड बड़ी सुई जो 27 हो रहा है यहाँ पे होगी। ये एक एग्जैक्ट टाइम है जब सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी 11 से 12 बजे के बीच में। आप किसी भी टाइम में एक अप्रोक्स टाइम सोच सकते हैं, उस टाइम में आप 12/11 मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा। एक मैंने पूरा सेशन लिया है अपोजिट का, जिसमें मैंने बताया है कि दिन में सुइयां कितनी बार अपोजिट आती है, एक घंटे में सुई कितनी बार अपोजिट है, एंड 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ही क्यों अपोजिट होती है सुइयां, ये मैंने पूरा उसमें बताया। आप, मैं चाहूंगी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी थी उस पर आप क्लिक करें, एंड अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।